तो आज का वीडियो चालू करने से पहले एक बड़ी सी वार्निंग, और वो इसलिए कि आज का वीडियो बहुत ज्यादा अडल्ट होने वाला है, स्टोरी की वजह से नहीं बल्कि जो दिखेगा उसकी वजह से। तो अपने नो नट नवंबर को संभालते हुए वीडियो देखना। तो रूमर्स ऐसे हैं कि आने वाले लोकी के सेकंड सीजन में या फिर थंडरबोल्ट्स मूवी में अपन लोग को स्क्वाड्रन सुप्रीम देखने को मिलेंगे, जो बेसिकली जस्टिस लीग की रिप ऑफ टीम है। अब ये न्यूज सुनते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज ये है कि अगर मार्वल इन पे इन फ्यूचर कोई मूवी बनाता है तो वो PG-13 में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये वो टीम है जिसकी पहली कॉमिक ही जो मैंने पढ़ी थी वो दी बॉयज की तरह थी, खून खराबा और दबा के न्यूडिटी। तो अब मार्वल इन्हें कैसे अडॉप्ट करता है उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन आज बात करते हैं पावर प्रिंसेस की। ये कैरेक्टर बेसिकली वंडर वुमन की रिप ऑफ है, लेकिन उससे ज्यादा हॉट। तो हाइपीरियन को तो सब जानते हैं, मार्वल का सुपरमैन जो इविल भी है। इस ससुर की ओरिजिन बिल्कुल सेम है सुपरमैन जैसी, एलियन बच्चा इंसानों को मिला और गोद ले लिया गया। पर आज बात करते हैं अपनी वंडर वुमन की कॉपी की, और इसके बारे में मैं ज्ञान नहीं पेलूंगा, सीधा सीधा जो मैंने इसका अपीयरेंस पढ़ा है वो दिखाऊंगा तुमको। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है जब हाइपीरियन एक बड़े ब्लास्ट के बाद एक अकेले आइलैंड पे आके गिरता है। उसी आइलैंड पर एक बंदा अपने बच्चे के साथ किसी पुराने मकबरे पर खाना रखने जा रहा था किसी प्रिंसेस के लिए, पर उस बच्चे को प्रिंसेस की न्यूड पेंटिंग दिखती है और वो बंदा बोलता है कि अपनी माँ के पास जा तू, ये मैं कर लूंगा। वो बंदा वहाँ प्रिंसेस के खाने को लेकर बैठ जाता है, तभी अंदर से एक आवाज आती है, कोई बाहर है, कोई बाहर दर्द में है, किसी को बाहर मेरी जरूरत है। ये बोलने वाली एक बुढ़िया थी जो उस बंदे को दिखती है, और हमें बस उस बंदे की चीखें सुनाई देती हैं। बाहर वो बच्चा अपनी दादी से पूछता है कि ये क्या था, तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, तू अंदर जा और मेरा इंतजार कर। और मकबरे से बाहर निकलती है प्रिंसेस ज़ार्डा, बिना कपड़ों के पूरी जवान, जैसे कि उस बंदे से जवानी छीन ली हो उसने। बाहर आते ही वो दादी बोलती है कि प्रिंसेस हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, अब टाइम आ गया है कि तुम औरतों की चैंपियन बनो और दुनिया को अपने सामने झुकवा दो। पर प्रिंसेस ज़ार्डा बोलती है कि अरे सफेद बाल आ रहे हैं मेरे तो, और वो उस बुढ़िया की बची कुची उम्र भी छीन लेती है जिससे वो और जवान हो जाती है। हाइपीरियन उस आइलैंड पर सिकुड़ा हुआ पड़ा था, प्रिंसेस वहाँ आके बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, मैं हूँ औरत जिससे तुम प्यार करते हो। पर हाइपीरियन बोलता है कि तुम हो कौन, तो प्रिंसेस ज़ार्डा उसे हवा में उड़ा के ले जाती है और एक किस से ही उसकी सारी चोटें गायब कर देती है। वो वापस ठीक हो जाता है बिल्कुल पहले जैसा। वो हाइपीरियन को बताती है कि मैं इतने टाइम से उस मकबरे में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तकरीबन 2000 सालों से। हाइपीरियन बोलता है कि तेरी आंखें, तेरी पावर्स, तू तो बहुत कुछ मेरे जैसी है। तो प्रिंसेस बोलती है कि तुझे याद नहीं, ओ हाँ तुझे कैसे याद होगा। तो बात ऐसी है कि हम स्पेस से थे, हमारे लोगों की सिप्स में पैदा हुए, वहाँ बच्चों को जोड़ों में अलग अलग भेजा जाता था, लेकिन जब हमारी बारी आई तो वहाँ एक जंग छिड़ गई और सिप्स तबाह हो गई और हमारे सिस्टम फेल हो गए, इतने फेल कि मैं 2000 साल पहले यहाँ आ गई और तुम्हें इतना टाइम लग गया। मेरे फादर गॉड ऑफ नाइट थे और तेरे गॉड ऑफ वार, पर हमारे प्लेनेट के गॉड्स सेक्स सुक्स नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने किया और गॉड्स के बीच लड़ाई हो गई, तो उन्होंने लास्ट बचे 2 बच्चों को बचाकर फेंक दिया जीने के लिए, और वही बच्चे हम हैं। हम आसमान से आए हैं, हाइपीरियन सोचता है कि क्या बकलो लिए बे, ये क्या मतलब मेरी स्टोरी खुद लिखने लग गई, पहली वाली तो सेंस भी बना रही थी। तो बोलती है कि ओह इतने टाइम बाद मकबरे से रोशनी में निकली हूँ तो कंफ्यूजिया गए हैं हम, अभी थोड़ा टाइम लगेगा पर सब समझ आ ही जाएगा, पर सवाल ये नहीं है कि हम यहाँ कैसे आए हैं, सवाल ये है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम यहाँ आए हैं रूल करने, मारने, कॉन्कर करने, हम दोनों। हाइपीरियन बोलता है कि मैंने हजारों जाने बचाई हैं, लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्रिंसेस ज़ार्डा बोलती है कि जो भरोसे वाले होते हैं वही भो, क्या बोला तूने? ओह सॉरी, ये डायलॉग कॉमिक में नहीं है। प्रिंसेस ज़ार्डा बोलती है कि हाँ तुम सही हो, तुम्हें जाना चाहिए वापस, मुझे वैसे भी बहुत कुछ करना है, अभी अभी जो बाहर आई हूँ मकबरे से, तो तुम जब भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगी, और जब मैं बुलाऊंगी तो तुम आ जाओगे। और हाइपीरियन वहां से चला जाता है। प्रिंसेस ज़ार्डा बिना कपड़ों के सबके सामने रोड पे निकल जाती है और कपड़े चुरा के लोगों को मार के अपनी लाइफ की नई शुरुआत करती है, और इस इवेंट के कुछ टाइम बाद ही वो टीम बनती है जिसका नाम है स्क्वाड्रन सुप्रीम। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें एमसीयू में स्क्वाड्रन सुप्रीम PG-13 चाहिए या फिर ऐसी जैसे कि मैंने बताई। तो अगर तुमको मार्वल की प्रिंसेस ज़ार्डा के बारे में और वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बना दूंगा ससुरों, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।